नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक इन टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ दो जॉब अपॉर्चुनिटीज का अपडेट देने वाला हूं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए किसी भी कंपनी से रिलेटेड, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जब मुझे पता चलेगा तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों चैनल पर वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे अच्छी न्यूज आ रही है कि माइंडट्री की ऑफ कैंपस जॉब स्टार्ट हो चुकी है और दोस्तों 2022 बैच भी इसमें इंक्लूडेड है, दैट इज 2021 एंड 2022 की हायरिंग स्टार्ट हो गई है। बीई बीटेक इन सीएस आईटी सेक्रेटरियल ब्रांचेस ओनली। एकेडमिक कट ऑफ की बात करता हूं तो दोस्तों 66 GPA होनी चाहिए। एंड डेट है दोस्तों 11th of November। अगर दोस्तों आपको माइंडट्री से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए कि फर्स्ट राउंड में क्या पूछा जाता है, तो पहले आपको वीडियो ला सकते देखनी पड़ेगी। साथ ही साथ नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइए कि क्या क्या आपको चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो दोस्तों जेडी की, तो दोस्तों कंपनी के बारे में इन शॉर्ट इन लोगों ने एक इमेज बना दी है कि आप देख सकते हो कि कितना रेवेन्यू है, कितने लोग यहाँ काम करते हैं। बाकी दोस्तों कंपेंसेशन बेनिफिट्स की बात करते हो तो 4 LPA का पैकेज है दोस्तों, पैकेज कम है बट कंपनी काफी अच्छी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दोस्तों रोल है। स्टाइपेंड की बात करता हूँ तो दोस्तों 26,000 मिलने वाला है आपको हर महीने। सर्विस एग्रीमेंट दोस्तों NA नॉट एलिजिबल, ठीक है। बाकी अगर दोस्तों मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों 60% और 6 CGPA आपकी होनी चाहिए 10th 12th एज वेल एज ग्रेजुएशन में। बैकलॉग दोस्तों आपकी नहीं होनी चाहिए। एलिजिबल ब्रांचेस दोस्तों दे रखी है, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों मैं हायरिंग प्रोसेस की बात करता हूं तो पहला है दोस्तों इसका एप्टीट्यूड काउंट, फिर है दोस्तों कोडिंग टेस्ट, और दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली आपका एप्टीट्यूड और जो प्रोग्रामिंग राउंड है वो एक साथ होने वाला है। फिर दोस्तों आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू है, साथ ही साथ दोस्तों उसके बाद आपका एक HR इंटरव्यू होने वाला है। तो एक रिक्वेस्ट है यार, अगर आपको एप्टीट्यूड टेस्ट से कोई भी रिलेटेड चीजें चाहिए या फिर प्रोग्रामिंग राउंड से, तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दोस्तों बाकी आप रीड कर ही सकते हो, इसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अप्लाई कैसे करना है तो दोस्तों अप्लाई का लिंक ये क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफ कैंपस हायरिंग होने वाली है 2021 एंड 2022 बैच के लिए। यहाँ दोस्तों पहले आपको टाइटल सेलेक्ट करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंटर योर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, प्लीज एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, एंटर योर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन कर दोस्तों आप फॉर्म बड़ी आसानी से फिल कर देना है। तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, इसको जल्दी जल्दी फिल करिए, जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड जूनियर भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी को बताने से पहले री लेवल पाए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर दो शानदार जॉब अपॉर्चुनिटीज के अपडेट आए। अगर जिसको री लेवल के बारे में नहीं मालूम तो हमने एक इन डिटेल वीडियो बना दिया है, जैसा कि जहां देख सकते हो 1000 से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आ गई है, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बाकी री लेवल अगर शॉर्ट में जानना है तो दोस्तों कोई भी बैच एलिजिबल होने वाला है, नो डिग्री इज रिक्वायर्ड। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप डिप्लोमा के हो तो अभी आप इसमें एलिजिबल होने वाले हो। और दोस्तों अगर आपको अपनी जॉब स्विच करनी है तो दोस्तों यहां आपको मिनिमम 50% का सैलरी हाइक भी मिल सकता है। तो दोस्तों आज की जो पहली जॉब अपॉर्चुनिटी है दोस्तों वो पोस्ट की गई है दोस्तों रेजर पे कंपनी की तरफ से। यहाँ दोस्तों आपको 20 से 24 LPA तक का पैकेज मिल सकता है। यहाँ दोस्तों बैकएंड डेवलपमेंट रोल के लिए हायरिंग होने वाली है, तो एक रिक्वेस्ट है यार इसमें जरूर अप्लाई करिएगा क्योंकि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 15 डेज के अंदर दोस्तों आप री लेवल से हायर हो सकते हो और दोस्तों री लेवल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया और आपके पास रिप्लाई नहीं आ रहा, आपके पास दोस्तों रिप्लाई आएगा। आपको अपना स्लॉट को करना है बुक, जो कि मैंने इन डिटेल एक वीडियो में बना रखा है, उस वीडियो का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है अर्बन कंपनी, जो कि दोस्तों बिजनेस डेवलपमेंट रोल के लिए हायरिंग कर रही है। 6 LPA तक का दोस्तों यहां आपको पैकेज मिल सकता है, तो एक रिक्वेस्ट है इसमें भी जरूर अप्लाई करिएगा, इसका भी लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों जो आज की सेकंड जॉब अपॉर्चुनिटी है वो पोस्ट की गई है साइमंस कंपनी की तरफ से। ये दोस्तों हैकर अट के प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई है और दोस्तों आप देख सकते हो साफ साफ लिख रखा है ऑफ कैंपस फ्रेशर्स हायरिंग चैलेंज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सीधी बात करते हैं तो having from zero up to 1 year industry experience in the software development role, freshers also 2020 से 2021 वाले eligible होने वाले हैं, bachelor और master degree in engineering और equivalent field। तो दोस्तों अगर आपने bachelor degree है, आपने master degree है, तो आप सभी इसके लिए eligible होने वाले हो in engineering और equivalent field। तो दोस्तों मैं समझता हूँ BCA वाले भी apply कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों BCA वालों पर भी equivalent knowledge होती है। Knowing either of C#, C++ और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। चैलेंज फॉर्मेट दोस्तों आपको 10 MCQs मिलेंगे और साथ ही साथ दोस्तों 2 प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। वन राउंड ईच ऑफ टेक्निकल
एंड एचआर रिलेटेड डिस्कशन फॉर द कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली क्लियर दिस चैलेंज। दोस्तों अगर आप इस चैलेंज को क्लियर करते हो तो दोस्तों आपको एक टेक्निकल एज वेल एज एचआर राउंड होने वाला है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का दोस्तों आपको रोल मिल रहा है, बाकी दोस्तों नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज यू वुड नीड कौन कौन सी नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज। तो दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बाकी दोस्तों एक्सपेरिमेंटल नॉलेज ऑफ ईदर सी शार्प सी प्लस प्लस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और दोस्तों जिसको पाइथन आती है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, क्योंकि दोस्तों मैं समझता हूँ हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बस सिंटेक्स डिफरेंट होता है, अदरवाइज जो लॉजिक होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो एक रिक्वेस्ट इसमें जरूर अप्लाई करिएगा, और अगर आपको साइमंस कंपनी के बारे में नहीं मालूम तो एक यूट्यूब पर एक वीडियो है, इसको जरूर देख लीजिएगा। सैंपल चैलेंज कैन आई पार्टिसिपेट इन अ सैंपल चैलेंज, यस वी रिकमेंड दैट यू पार्टिसिपेट इन अ सैंपल चैलेंज। तो एक बार यार इनका सैंपल चैलेंज जरूर अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि काफी अच्छा दोस्तों यहाँ आपको पैकेज भी मिल सकता है और अपॉर्चुनिटी भी काफी अच्छी है। तो इसको दोस्तों जितना हो सके शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूँ अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।